दोस्तों यह बोना नीचे छिपकर इस लड़की के पर्स से पैसे चोरी कर लेता है। तब यह लड़की रिक्शा वाले के पैसे देने के लिए पर्स खोलती है तो उसमें पैसे नहीं होते हैं। तब यह लड़की बोलती है, अरे मेरे पर्स के पैसे कहाँ गए। तब यह लड़का बोलता है, देखिए मैडम, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे बोल देती, मैं फ्री में छोड़ देता, और यह बोलकर चला जाता है। तब यह लड़का बोने से बोलता है, कितना मिला। तब यह बोना बोलता है, 15,000 रुपए मिले। तब यह लड़का बोलता है, सवारी आती जाएगी, तू ऐसे ही चोरी करता जा। फिर अगले दिन यह लड़का इसके रिक्शा में बैठा होता है। तब यह बोना जैसे ही चोरी करने जाता है तब यह लड़का इसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रिक्शा रोक। तब यह लड़का बोलता है, कल मेरी बहन तेरे रिक्शा में बैठी थी और उसने मुझे बताया कि मैं रिक्शे में बैठी हुई थी और मेरे पैसे चोरी हो गए, और फिर मैंने इस इलाके की सीसीटीवी फुटेज देखी और उसमें तुम दोनों निकले। तब यह दोनों इस लड़के से माफी मांगने लगते हैं और फिर यह लड़का इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाता है। और इस लड़के की समझदारी के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है।